नमस्कार एरिज, एरिज यानी मेष राशि, मैं सुरेश गौट्रिकला सिंधी टैरोट से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की ओवरऑल जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए मोनोलॉजी के 3 कार्ड लेंगे, जिसमें हम जिसमें आपको मैसेज मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी कि यूनिवर्स ही आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फिर इसमें देखेंगे कि ये सप्ताह आपका लव लाइफ वाइज कैसा रह सकता है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे कि आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा उसका एंजल जी आंसर देंगे। तो चलिए फटाफट से 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, शो द वर्ल्ड द रियल यू, यू आर गुड एनफ, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उन दोनों में बैलेंस लाइए, उनमें इक्वालिटी लाइए। उनमें ना तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल बनिए ना तो ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में जाइए, क्योंकि इंसान है तो दोनों ही चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी हैं, स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ, उनमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, और आप दुनिया को यह वही दिखाइए जो आप हैं। आपको दूसरों के लिए चेंज करना, अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका चल रहा है वो आपके लिए अच्छा है। यू आर गुड एनफ, आप काफ़ी अच्छे हैं, हो सकते हैं। अगर आप रियल लाइफ में जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यू आर गुड एनफ, आप काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जैसा है वैसे चलते रहिए और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो है बहुत जल्दी जो आपका लाइफ में परेशानियां चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकती हैं। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ से आपकी जो परेशानी है, जो दुविधाएँ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। आपको उन चीज अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं सही है, आप काफ़ी अच्छे हैं, समझदार हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए ताकि आगे बढ़ सकें। और देखते हैं ये सप्ताह लव लाइफ वाइज कैसा रहेगा एरिज राशि वालों के लिए। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, एरिज राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप इस सब आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है हीलिंग करने की ज़रूरत है, रिश्ते पर फोकस करने की ज़रूरत है। रिश्ते पर अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और कोई ना कोई ऐसी बात, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आपका या तो सामने आ गया है या तो सामने आ सकता है। जो भी कोई मिस्ट्री, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, या तो आपने पार्टनर के साथ की है या आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं, तो वो राज, वो मिस्ट्री शायद या तो खुल चुकी है या तो खुल सकती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप कोई भी राज ना रखते हुए, कोई भी दुविधा ना रखते हुए, कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो, और इसमें ये सोचेंगे कि चाहे डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन एक एम्परर की तरह, एक राजा की तरह या एक रानी की तरह अगर आप इसमें
जो है ये डिसाइड करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। इस जो भी गिले सिकवे हैं, जो भी परेशानी है, जो भी दुविधा है, उनको ख़त्म करते हुए लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स जी आपको आगे बढ़ने का जो आइडियाज़ दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, तो आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं और इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, डिवाइन हाथ आपके ऊपर है, चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं। लेकिन हेराफेरी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, इन सब चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा और समय रहते आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। चाहे वो आपके लिए हार्स हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन समय रहते आपको डिसीजन अगर आप लेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। यूनिवर्स की का भी डिवाइन हाथ आपके ऊपर, डिवाइन हाथ भी आपके ऊपर हो सकता है, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी लास्ट एंजल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए इस सप्ताह क्या एंजल मैसेजेस हैं। तो कार्ड्स थोड़ा सा तो चलिए, आप जो भी आपका क्वेश्चन है, तीन बार अपने अपनी अंतरात्मा से अपने अंदर दोहराइए, क्लियरली उस सवाल को दोहराइए जो आप सोच रहे हैं। और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है। आप धीरे धीरे करके आप अपना जो है आंखें खोलिए, आपके सवाल का जवाब आपके आगे है। जो भी आपका क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं क्या यूनिवर्सिटी बता रहे हैं। इट्स अप टू यू, रिकवरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं, आपके जो भी सवाल है उसका जवाब है कि अगर आप लोगों से मदद लेते हैं या लोगों की मदद करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको जो है, जो भी समय आपका चल रहा है, शायद आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे करके आपके हेल्थ, अगर हेल्थ आपकी सही नहीं तो हेल्थ में इम्प्रूव होगा, अगर चीज़ें सही नहीं है तो उनमें सुधार होगा, लव लाइफ ठीक नहीं है तो वहाँ सुधार होगा, यानी कि धीरे धीरे करके आप रिकवरी की तरफ जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि ये कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। और कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इसके लिए कुछ महीनों का समय लग सकता है, तो कुछ महीने में धीरे धीरे करके आपकी रिकवरी होगी, आप आगे बढ़ेंगे और अभी से आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि आप 100% प्रॉपरली आपके ऊपर सब कुछ सही होगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।